काम हो गया? हाँ, हो गया था। उसके पहुंचने से पहले मैं पहुंच चुका था वहां। गुड। भाई, मेरे पैसे कहाँ हैं? बिल चाहेंगे। पैसे कहाँ भागे जा रहे? नहीं, क्या मतलब? मतलब एक फूटी कौड़ी नहीं दी और काम पे काम करवाई जा रही हो तुम मुझसे? क्या चाहती हो? तुम समझते नहीं हो, अकाउंट से पैसे निकलेंगे तो ट्रेल तो बनेगी ना। अब आप किसी को इस तरह पैसे देते हैं तो पता चल जाता है कि किसके अकाउंट से निकल के किसके अकाउंट में गए। तुम तक पहुंच जाएंगे वो। मैं हमारा मंसूबा कामयाब होने तक कोई रिस्क नहीं ले सकती ना। एक बार अजनबी की दुआ से तलाक हो जाए तब तक मुझे संभल के चलना होगा। अंडरस्टैंड करो। अच्छा, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि इस सब में भी गजनवी ही रुकावट है। भाई, जब अच्छा खासा मर रहा था तो उसे मरने क्यों नहीं दिया? तुम्हारी ख्वाहिश थी कि बच जाए वो। अल्लाह ना करे, साईं है मेरे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। बहुत शौक आ रहा ना किसी को मारने का, तो उस दुआ को मार देना था ना। हाँ, मार दूंगा उसे, मैं मार दूंगा। लेकिन उससे पहले ना, मैंने अपना मकसद पूरा करना है। जिसने मेरी जिल्लत की है उसका मैं बदला लूंगा। उसे तलाक दिलवा के फिर मैं मारूंगा। और जहां तक रही ना पैसे की बात, तो उसके लिए मैं किसी हद तक भी गिर सकता हूं, ये बात याद रखना। पैसे चाहिए ना तो मुझसे बनाकर रखो, ये एटीट्यूड नहीं दिखा मुझे। मैं टूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। अच्छा, और तुम समझती हो कि तुम मुझे इस तरह दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंकोगी और मैं खामोश रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा मैं? तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम कि उसको जहर किसने दिया? और ये जो तुम्हारी मोहब्बत शोहब्बत वाली सीन है ना उसके साथ, उसको भी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम पैसे के चक्कर में हो, वरना उसकी जान लेना चाहती तुम? कोई मोहब्बत नहीं करती तुम उससे? मुझसे भिड़ रहे हो तुम? हाँ, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आराम से साथ साथ चल रहे हैं ना, तो साथ चलती रहो। मुझसे दुश्मनी ली ना तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अगर सुकून से गजनवी की जिंदगी में रहना चाहती हो ना, चुप करके मेरे पैसों का बंदोबस्त कर। मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे, तंग ना करो बार बार मुझे कह के कि पैसे पैसे। वैसे ये निकालो, ये कंगन जो पहने हैं। चलो चलो। तो क्या दिमाग खराब हो गया है? मेरी चूड़ियां ये? मैंने कहा ये कंगन निकालो, वरना सीधा उसको फोन करूंगा, सब कुछ सच सच बता दूंगा, समझी? चलो। किस किस्म की घटिया आदमी हो तुम? हाँ, बहुत घटिया, बहुत घटिया हूँ, लेकिन तुमसे कम। चलो। ये जो बाकी के पैसे हैं ना, उसके लिए मुझे फिर से फोन ना करना पड़ेगा, समझे?
जी मैं आप लोगों से सुंबुल की रुखसत की तारीख लेने है। लेकिन बेटा तुमने तो ये कहा था कि पहले तुम अपने बहनों के फर्ज से सबकदोश होना चाहते हो। और हमने सोचा था उस वक्त में सुंबुल भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी, तो ये सती की बात अचानक। मर्द की एक जुबान होती है, उस पे कायम रहना था ना। खामोश रहो सरफराज। मैं बहुत सोच समझ कर ये रुखसती की बात कर रहा हूं। अंकल मैं जानता हूं कि मैंने ही कहा था कि अपनी बहनों की रुखसती के बाद मैं अपनी शादी का सोचूंगा, रुखसती का सोचूंगा। लेकिन अंकल जिस तरह के हालात हो गए और मेरी और सुंबुल की लड़ाइयां दिन पर दिन बढ़ती जा रही, मुझे डर है कि हमारी शादी खत्म ही ना हो जाए और कहीं गुस्से में मैं। गुस्से में मैं वो अल्फाज ना बोल दूं जो मैं नहीं बोलना चाहता। तो फिर अंकल इस अर्जी पर गौर कीजिए जो मैं लेकर आया आपके पास। अंकल इस शादी को बचाने के लिए यही बेहतर कि सुंबुल की रुखसती कर दी जाए। लेकिन बेटा सुंबुल अभी पढ़ रही है और इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी करेंगे बताओ। आंटी मुझे जहेज की कोई लालच नहीं है, ना मुझे जहेज चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं सुंबुल शादी के बाद पढ़ेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।